नमस्कार, स्वागत है आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.2 और प्रश्न संख्या 1 का तीसरा सवाल है उसे हम हल करेंगे इस वीडियो में। तो हमारा सवाल है द्विघात बहुपद है, ये जो दिया गया है द्विघात बहुपद है, इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं और शून्यांको तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हमारा जो द्विघात बहुपद है इसको सही क्रम में हम लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो दिया गया क्रम है इसमें जो x जो चरमान है उसकी घटती हुई घातों के रूप में नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे इसे 6x की घात 2, यहाँ से x की 1 घात रखेंगे, फिर 7x और -3। ठीक है, यहाँ पर ये जो द्विघात बहुपद है ax2 + bx + c इस रूप में होता है। तो यहाँ जो सी है ये अचर पद होता है हमारा। अब सबसे पहले हम इसके जो गुणनखंड करेंगे यहाँ पर इसके शून्यांक ज्ञात करने के लिए, तो ये जो मध्य पद होता है इसके हम दो गुणनखंड लेते हैं। उससे पहले हम प्रथम और अंतिम पद को गुणा करके देखते हैं। तो -3 को हम गुणा करेंगे 6x की घात 2 से, तो 6 को 3 से गुणा करेंगे, 6 × 3 = 18। और जो चरमान होते हैं चरमानों की घातों का योग होता है, तो इसके गुणांक में x की घात कितनी है 0 है, तो x की घात 0 और 2 कितना हो जाएगा x की घात 2। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। तो प्रथम और अंतिम पद का जो गुणांक आया है -18x2, मध्य पद कितना है -7x। अब दो गुणांक लेंगे जिनका जो अंतर होना चाहिए वो -7x होना चाहिए और उनका जो गुणनफल होना चाहिए वो होना चाहिए -18x। तो हम लेंगे जो संख्या है -9x और +2x, -9x और +2x, ये दो गुणनखंड है। इन दोनों को अगर हम गुणा करते हैं, 9 को 2 से गुणा करेंगे 18, और x को गुणा करेंगे तो इनकी घात जुड़ जाएगी x की घात 2, और प्लस और माइनस माइनस। तो ये दोनों वो गुणनखंड है जिनका जो गुणनफल है प्रथम और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर है, और इनका जो अंतर है वो मध्य पद के बराबर है। तो इसे हम आगे लिखते हैं 6x की घात 2, यहाँ पर हम 2x लेंगे क्योंकि ये 9x है, और यहाँ पर हमारा जो बहुपद का जो चरमान है अचरमान है सॉरी, तो उसमें से कॉमन लेने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम प्लस के 2x लेंगे -9x और -3। यहाँ इन दोनों संख्याओं में से हम कॉमन संख्या ओबिनेट संख्या लेंगे जो दोनों का ही गुणनखंड हो। तो इन दोनों का जो गुणनखंड है 6 और 2 का गुणनखंड है 2, यहाँ पर x की घात 2, यहाँ x की घात 1, तो दोनों का गुणनखंड है x। तो 2x हमारे पास में यहाँ पर क्या आ गए, दोनों इन दोनों मानों में से कॉमन 2x हमने कॉमन ले लिया। यहाँ जो कॉमन लिया है 6x की घात 2 में से, यहाँ शेष क्या रहा, जो हमने कॉमन लिया उसका भाग देंगे हम 6x की घात 2 में, तो 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बचेगा, और x की घात 2 में से x की घात 1 कम करेंगे तो यहाँ x बचेगा, मतलब x की घात 2 में x की घात 1 का भाग देंगे तो कम हो जाएगी। यहाँ पर है प्लस 2x में से हमने 2x कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा केवल। इन दोनों पदों में से माइनस कॉमन लेंगे हम, क्योंकि हमारा जो कोष्टक है वो प्लस में आना चाहिए इसलिए माइनस कॉमन लेंगे। माइनस के 3 कॉमन आ रहे, 3 दोनों संख्याओं का गुणनखंड है। यहाँ पर 9x में से 3 कॉमन लेने के बाद में 3x बचेगा, और वो भी प्लस का हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस के 9x में से माइनस के 3 कॉमन लिए, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 3 का भाग 9 में 3 बार और x वैसे के वैसे है। उसके बाद में माइनस यहाँ प्लस बचेगा क्योंकि 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा, और माइनस प्लस हो जाएंगे। दोनों जो कोष्टक आए हैं इन कोष्टकों में से हम इन दोनों में से एक कोष्टक ले लेंगे, और एक कोष्टक 2x - 3 हो जाएगा, 2x - 3 और 3x + 1 ये हो गए। इनको 0 के इक्वल रखेंगे, 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। यहां से -3 का पक्षांतरण करेंगे उस तरह, तो 2x = -3 है तो +3 हो गए। यहां से पक्षांतरण करेंगे 3x = ये है +1, तो उस तरफ हो जाएंगे -1। यहां हमें केवल x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए x = 3, ये 2 यहाँ पर किसमें है गुणा में है x के, तो उस तरफ पक्षांतरण करेंगे किसमें आ जाएंगे भाग में आ गए। यहाँ पर भी है x के गुणा में,
माइनस एक इस तरफ है, तीन है तो उस तरफ इसमें आ जाएंगे तीन। तो हमारी जो एक्स के शून्य अंक आए हैं तीन बटे दो और माइनस के एक बटे तीन, ये तो हमारे दोनों जो शून्य अंक है इस द्विघात बहुपद के वो हमारे पास में ज्ञात हुए हैं। अब हम जो ज्ञात करेंगे वो है कि इनके शून्य अंक और जो गुणांक है उनके मध्य जो संबंध की सत्यता की जांच है वो करनी है हमें। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद का जो ये है व्यापक रूप है, यहाँ पर प्रत्येक के जो मान है वो लिखेंगे। यहाँ जो a है, ये जो a है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो द्विघात बहुपद है इसके ऊपर लिख लेते हैं छह एक्स का दो माइनस के सात एक्स और माइनस के तीन बराबर जीरो। अब a जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है छह है, तो बराबर a का मान कितना हो गया, मतलब a बराबर छह हो गया, ठीक है। उसके बाद में है b, ये जो b है ये x का गुणांक है, b है x का गुणांक, तो b का क्या मान हो जाएगा, b का मान हो जाएगा जो हमारे पास में किसमें है x का गुणांक क्या है माइनस के सात, तो हमारा जो b का मान होगा माइनस के सात जो x का गुणांक है। और c क्या है, c है अचर पद, c क्या है अचर पद, जिसके गुणांक में चर मान नहीं होता वो है माइनस के तीन, ठीक है। तो ये हमने इस द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है उससे जो इनके गुणांक है उनको निकाला है। अब सूत्र के अनुसार जब हम इन्हें हल करेंगे तो सबसे पहले हम शून्यंकों का योग करेंगे, तो शून्यंकों का योग यहां पर करते हैं, शून्यंकों का योग हम शून्यंक एल्फा और बीटा मानते हैं, तो एल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए, यह होना चाहिए माइनस बी बटा ए के बराबर। माइनस बी क्या है, माइनस बी नहीं केवल बी, माइनस उत्तर में है बी, बी जो है वह एक्स का गुणांक, बी एक्स का गुणांक है, उसके बाद में ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अब एल्फा प्लस बीटा तीन बटे दो प्लस माइनस के एक बटे तीन, इनका जो मान होना चाहिए, माइनस बी कितना है, माइनस बी का मान है माइनस के सात बटे ए का जो मान है वो है छह, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस प्लस के सात बटे छह। इस तरह पर इन दोनों को हल करेंगे तो इनका जो लस आएगा दो और तीन का लस आएगा छह आएगा, उसके बाद में दो का भाग छह में तीन बार और तीन को दो से तीन से गुणा करेंगे तो नौ, यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, तीन का भाग छह में दो बार और दो को एक से गुणा करेंगे तो दो, तो ये कितना हो जाएगा सात बटे छह। दोनों मान जो है शून्यंकों का योग है और यहाँ पर हमने जो सूत्र से देखा है ये दोनों मान बराबर इक्वल आ रहे हैं तो हमारा शून्यंकों का योग सही है। शून्यंकों का गुणनफल भी कर लेते हैं, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल जो होता है एल्फा इंटू बीटा जो होता है सी बटा ए के बराबर, सी होता है अचर पद और ए जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो एल्फा इंटू बीटा, एल्फा हमारे पास में यहां दोनों में से इसको एल्फा मान लेंगे हम और इसको बीटा मान लेते हैं, तीन बटे दो गुणा माइनस के एक बटे तीन बराबर सी का मान कितना है माइनस के तीन बटे बीटा जो है अपने पास में है छह। तो यहां पर तीन से तीन एक बार कट जाते हैं, यहां एक आएगा और यहां एक आएगा, तो माइनस एक को एक से गुणा करेंगे तो माइनस के एक और दो, यहां पर ये शेष रह जाते हैं। इनको भी हम विभाजित कर लेंगे तीन से दोनों को, तीन से एक बार, ये तीन से दो बार, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो हमारा जो शून्यंकों का गुणनफल है वो भी क्या है बिल्कुल सही आया है। तो हमारे यहाँ जो शून्यंक और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच है वो बिल्कुल सही है, तो हमारे जो शून्यंक आए हैं ये शून्यंक भी बिल्कुल क्या होंगे सही होंगे। इसी प्रकार से हम शून्यंकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करके इन सवालों की जांच कर सकते हैं कि हमारे शून्यंकों में कोई गलती नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और जुड़े रहिए एल्बर्ट कोचिंग क्लासेस से, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।